Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको सुनने को मिली होगी। जी हां, बात करें तो उत्तर प्रदेश की बाहुबली माफिया के तौर पर जाने जाने वाले अतीक अहमद, जो कि उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया था और उत्तर प्रदेश के जेल में पुलिस कस्टडी के अंडर में तमाम मुद्दों को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी और साथ में अतीक अहमद का भाई अशरफ था। लेकिन कल जिस तरीके से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था, उसके बाद एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ गई थी। दरअसल अतीक अहमद और भाई अशरफ पर शनिवार रात को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। दोनों पर उस वक्त हमला हुआ जब मीडिया कर्मियों के बीच घिरे थे। इस हत्या ने सनसनी फैला दी है। इस नृशंस हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं, उस समाज में कोर्ट और इंसाफ के सिस्टम का क्या काम। अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, जेएसआर के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी की कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर आज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। वहीं ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता वारिश पठान ने कहा कि अदालत कानून संविधान की हत्या है, उत्तर प्रदेश में कोर्ट कचहरी सब बंद कर देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने कहा कि यह ऊपर वाले के इशारे के बिना नहीं हो सकता है। किसी और लोकतंत्र में कानून के शासन के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध के लिए राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध की पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से भी होते हैं। मैं समझता हूं कि यह कुदरत का फैसला है और इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो जब पूरी परिस्थिति सामने आएगी तो हम कहेंगे। बाकी जिस तरीके से इस मामले को लेकर ओवैसी ने बयान दिया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइएगा। धन्यवाद।